नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पचरी पारा वार्ड 28 में रास गरबा और माता के जगराता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पचरी पारा वार्ड 28 में गरबा और माता के जगराता कार्यक्रम की धूम मची रही। वहीं इस आयोजन के लिए वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सेन ने खास इंतजाम कर घर में पहुंचने वाली महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं रखी है। इसी कड़ी में आयोजक ओम प्रकाश सेन ने बताया कि 3 दिवसीय गरबा कार्यक्रम में युवा वर्ग के अलावा महिलाएं बड़ी संख्या में रोज शामिल हो रही हैं और रास गरबे का लुत्फ उठा रही है। इसके साथ ही माता का जगराता 6 अक्टूबर को शाम 7 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें भिलाई के प्रसिद्ध भजन कलाकारों द्वारा माता के गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। यहां बता दें कि रविवार को हुए गरबे के आयोजन में पहुंची परिचंद्राकर ने उपस्थित महिलाओं को गरबे के महत्व के बारे में बताया। इस संबंध में न्यूज टीम को वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सेन व परिचंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे वार्ड से लेकर हमारे वार्ड 28 से ही पूरे वार्ड के हैं, कम से कम 200 से 300 लोग पर डे इस गरबा कार्यक्रम को इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सभी वार्डवासियों को भरपूर सहयोग मिला और सब माता के आशीर्वाद से हमने जितना सोचा नहीं था उससे 3 गुना लोग यहाँ पर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जरूर कहीं ना कहीं माता शक्ति और मातृशक्ति और सबसे ज़्यादा बच्चों की शक्ति का हमें बहुत बड़ा योगदान मिला है और उनका आशीर्वाद ही हमें प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से सफल हो पा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ तो गरबा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। गरबा फ्री हैंड से खेला जाता है, जबकि डांडा स्टिक का यूज़ होता है। गरबा फ्री हैंड के साथ आप बहुत सारी प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, लाइक छतरी हो गया, आपके ऐसे बहुत सारी प्रॉप्स हैं। गरबा होता है जो सिर पे लेके महिलाएं डांस करती हैं, तो वो गरबा का क्रेज आजकल युवा में ज़्यादा है, जबकि डांडिया का थोड़ा क्रेज़ कम हो गया है, क्योंकि डांडिया स्टिक थोड़ा सा पुराना हो गया। तो ज़्यादा है कि अभी गरबा प्रॉप और ड्रेसेस मेकअप बहुत सारा क्रेज़ है। तो इस नवरात्रि पे भी अभी इस साल भी बहुत ज़्यादा गरबा का क्रेज़ है, हर जगह, हर छोटी छोटी गलियों में, बड़ी जगह पे, छोटी जगह, हर जगह गरबा हो रहा है और हम भी साथ उनका हिस्सा बने। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।